आस्था और श्रद्धा भारत की पहचान है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही देश में सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम के अन्य भक्त भगवान श्री हनुमान जयंती के मौके पर ब्रज में बजरंग बली के जयकारों तो गूंजते ही रहे, वहीं अटूट भंडारे में प्रसाद ग्रहण के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तो समूचे हिंदुस्तान में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम दक्षिण मुखी कलाक्षीराज हनुमान मंदिर पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अनवरत भंडारा हर मंगलवार शनिवार को चलता है, लेकिन हनुमान जी जन्मोत्सव की खास बात होती है, लगातार 3 दिन तक यहाँ आयोजन होते हैं और अटूट भंडारा 3 दिन से यहाँ लगातार चल रहा है। और भंडारे की खास बात यह है, जो श्री हनुमान जी को अपने खाने में प्रिय है वही यहाँ भक्तों को परोसा जा रहा है। और ये अटूट जो भंडारा है वो आगरा के श्रद्धालुओं की मदद से यहाँ अनवरत चलता आ रहा है और हजारों लोग अब तक प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं और तमाम लोग प्रसादी के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं और कार सेवा भी यहाँ आने वाले भक्त खुद कर रहे हैं। पंडित जी, लगातार आप साक्षी हैं कई भंडारों के और आप नियमित मंदिर पर रहते हैं, तो किस तरीके का आज यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है? ऐसा, हम भंडारे में हर साल जो है जिस दिन 23 तारीख को श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, हम अलग टाइप से भंडारा करते हैं। और मंदिरों में हमने देखा गया है कि लोग वह खड़े होकर खा रहे हैं और जो VIP वो बैठ के खा रहे हैं, पर ये हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो हमारा जो जन्मोत्सव हनुमान जी मनवाते हैं, हम सबको बैठ के एक साथ खिलाते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मंदिरों में जाके ये देखा गया कि बहुत से लोग 2 सब्जी बनाते हैं और जो आने वाले हैं उनको 1 सब्जी देते हैं और जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको 2 सब्जी देते हैं। और हम भंडारा जब हनुमान जी का यहाँ करते हैं, पूरी हमारी टीम कर रही है, तो यहाँ सबके लिए एक समान, आप देखेंगे कोई भी आदमी किसका आएगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो बूढ़े हो, उन सबको एक समान। यहाँ पे हम खाने में उनके लिए अरहर की दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, खीर, बूंदी, इन सबको एक समान देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंदिर पे इतने कार्यकर्ता हैं जंगल वाले बाबा के कि किसी को ये सोचने का मौका नहीं मिलता है कि मेरे पास पूड़ी नहीं है कि सब्जी नहीं है, सबको एक समान व्यवहार इस मंदिर पर देखा जाता है। तो ये दक्षिण मुखी जंगल वाले बाबा की महत्ता है, उनके प्रताप का प्रभाव है कि यहाँ अटूट भंडारा पिछले 3 दिन से चल रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा के साथ उनके दर्शन कर रहे हैं और प्रसादी ग्रहण कर वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने जो मनोती मांगी है जंगल वाले बाबा उनकी मनोती पूरी करते हैं, ऐसी यहाँ लोगों की आस्था है। इसी वजह से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और भंडारे में भाग लेकर वो प्रसादी भी ग्रहण करते हैं। जंगल वाले बाबा के दरबार से अपने साथी राहुल सांत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।